नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Note 20 वर्सेस Xiaomi Mi 11X Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy Note 20 में 6.36 इंच जबकि Mi 11X Pro में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy Note 20 में 2.96 इंच जबकि Mi 11X Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy Note 20 में 0.33 इंच जबकि Mi 11X Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy Note 20 में 192 ग्राम्स जबकि Mi 11X Pro में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy Note 20 में Super AMOLED Plus जबकि Mi 11X Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy Note 20 में 6.7 इंचेस जबकि Mi 11X Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy Note 20 में 89.18% जबकि Mi 11X Pro में 85.88% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy Note 20 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Mi 11X Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy Note 20 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, रियर कैमरा सेटअप और आखिर में 12 MP 2.2 वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11X Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy Note 20 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11X Pro की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy Note 20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 11X Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy Note 20 में Mali G77 MP11 जबकि Mi 11X Pro में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy Note 20 में Samsung Exynos 9 Octa 990 और Mi 11X Pro में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy Note 20 में 8 GB की RAM मिलती है जबकि Mi 11X Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy Note 20 में 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Mi 11X Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy Note 20 में Android V10 की जबकि Mi 11X Pro में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy Note 20 में 4300 mAh जबकि Mi 11X Pro में 4520 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी नोट 20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ ₹64,980 में मिल जाता है। वही अगर बात करें MI 11X Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ ₹39,999, 8 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ ₹41,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी MI 11X Pro की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी नोट 20 आगे है, मेन कैमरा में MI 11X Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में MI 11X Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Asus ROG Phone 3 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy S20 Fee है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S72 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।